राम राम किसान मित्रों, इस समय देखा जाए तो लहसुन और प्याज के कंद बड़े होने चाहिए। ऐसे समय में असमय रूप से जो है तने एवं कंद फटने की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो अब आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी स्प्रे बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो आपकी जो स्प्राउटिंग हो रही है, जो तने कंद फट रहे हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। दूसरा कोई भी पौधे का तना एवं कंद नहीं फटेगा, साथ ही जो फटा हुआ है वो आगे वृद्धि नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा। उस पर जो उसके कंद हैं वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिससे तना एवं कंद फटते हैं। तो इसके 8 बड़े कारण हैं और 8ों के एक एक करके जानेंगे, और उसके त्वरित रूप से हम ये भी बताते चलेंगे कि कैसे उनका हम निवारण भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय देखा जाए तो लहसुन एवं प्याज जो भी फसल है हमारी, वो लगभग 115 दिन से ऊपर चल रही है। ऐसे समय में कंद बड़े हों तभी हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो इस समय कंद बड़े होने की जगह पर उसमें तने एवं कंद फट रहे हैं, जिसमें नए नए और जो है पौधे निकल रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। इस समय उत्पादन भी नहीं मिलेगा और जो लहसुन या प्याज है हमारी वो भी खराब हो जाएगी, इसे हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने के लिए इस समय मिल रही हैं। तो ये जो असमय तना एवं कंद फटने की समस्याएं आ रही हैं उसके क्या कारण हैं? 8 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है हमारा जो है समय से पहले रोपाई करना। देखिए, जो लहसुन प्याज है उसे लगाने का समय अक्टूबर का होता है। अगर इससे पहले हमने लगाया है तो हो सकता है ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो जब भी आप फसल लगाएं तो अपने नियत समय पर लगाएं, उसे समय से बुआई करें, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये तो पहला कारण है और उसका ये निवारण है। दूसरा है कि किसी मनुष्य के द्वारा या जानवर के द्वारा जाया जाए खेत के अंदर और पौधे टूट जाएं, तो उनसे जो है नए कल्ले उत्पादन होने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि स्प्रे कर रहे हो तो ऐसे में पौधे टूट गए, या नीलगाय चला गया, जानवर कोई चला गया, तो वहाँ से पौधे टूट जाते हैं, तो स्प्राउटिंग हो सकती है। देखिए, हर बीज का उद्देश्य होता है कि अपने नए जो पौधे हैं, नए बीज को उत्पन्न करके जाए, जिसे हम अपना उत्पादन समझते हैं, और वो जो पौधा है वो अपना बीज समझ करके उसे उत्पादित करता है। तो ये उसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो जैसे टूटेगा वैसे तुरंत जो है नए कल्ले लेकर के और उत्पादन करने की जो प्रक्रिया को पूरा करना चाहेगा, तो ये भी होता है। तो ऐसे में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पौधे ना टूटें। जानवरों से बचाने के लिए बाड़बंदी है या फिर जो अन्य दवाएं आ रही हैं उनका आप प्रयोग करके जो है उसे बचा लीजिए। इससे जो तना एवं कंद फटने की समस्याएं आई हैं ये आपकी नहीं आएंगी। तीसरा कारण है पौधे विरल लगाना। विरल पौधे लगाने से क्या होता है कि जो हम पोषण दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, वो एक ही पौधे को जो विरल है, जो दूर लगा हुआ है, वो ज़्यादा पोषण पा जाता है। इससे जो है तना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और इसमें भी नए नए कंद फटने की समस्याएं, नए कल्ले निकलने की समस्याएं देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर कोई पौधा विरल हुआ है तो वहाँ पर ला करके दूसरा पौधा लगा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें शुरुआत में ही पता चल जाती हैं। तो आप वहाँ पर इस चीज़ को विरलीकरण जो है उसे आप जो उचित दूरी है वहाँ पर आप पौधे की रोपाई कर दीजिए, जिससे कि ऐसी समस्याएं ना आए और बाद में जा करके ऐसा कोई आपको नुकसान उठाने ना पड़े। अगले कारण के बारे में बात करें, जो हमारा चौथा कारण है, कि अगर मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी बनी हुई है, साथ ही आपने सिंचाई का भी काम कर दिया, जमीन में भी नमी बन गई, तो ऐसे में दोनों तरफ से जब नमी ज़्यादा बन जाती है तो ऐसे में भी तने एवं कंद फटने की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे समय में अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो ऐसे में आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप प्रयोग कर लीजिए, स्प्राउटिंग की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो ये सबसे सटीक है और ये सबसे सरल भी है, क्योंकि बोरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और 1 एकड़ में लगभग आपको 100 से 150 ग्राम ही प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो लगभग आपका 50 से 75 रुपये का आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं कि मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा नमी बनी हुई है, ज़मीन में भी काफ़ी ज़्यादा नमी हुई है, तो आप वहाँ पर जो पोषण दे रहे हैं, एनपीके छिड़काव कर रहे हैं या कोई अन्य खाद दे रहे हैं, तो उसके साथ ही आप बोरान का भी स्प्रे कर दीजिए, जिससे तने एवं कंद फटने की समस्याएं ना आए। अब पांचवा जो बड़ा कारण है वो हमारा है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग। अगर हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं तो भी अंत में जाकर के ये समस्याएं हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हर फसल के लिए, हर कोई भी फसल हो,
उसके लिए एक अनुशंसा होती है कि पूरे जीवन चक्र में उसे इतने नाइट्रोजन की जरूरत है, उससे अधिक आप नाइट्रोजन ना दें, और इस चीज़ को आप भली भांत समझ करके तभी आप नाइट्रोजन दें, क्योंकि दो बार देना है, तीन बार देना है, खुराक आप कितने बार में देते हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जैसे 5 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो आप 5 किलो उसे आप 5 बार में दो या 2 बार में दे दो, लेकिन 5 किलो से ज़्यादा ना दो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा ना दो, जितना देना है जो फसल के लिए आवश्यक है उतना ही दो, वो चाहे 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, चाहे जितनी बार में दो, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यक मात्रा से ज़्यादा उसे प्रयोग ना करो, नहीं तो अंत में जाकर के ये समस्याएं आपको, जो तना एवं कंद फटने की समस्याएं, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये एक बड़ा कारण है, इस पर आप स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करें अगले छठे कारण की। तो अगर ज़्यादा समय तक हम अपनी फसल को पानी नहीं देते हैं, सूखे रखते हैं और उसके बाद पानी चला देते हैं, तो उससे भी ये समस्याएं देखने के लिए, तना एवं कंद जो फटने की समस्या है ये देखने के लिए हमें मिलती है। तो ना ज़्यादा दिन तक सूखा रखिए, ना बहुत ज़्यादा पानी भरिए जिससे कि वाटर लॉगिंग हो, इससे भी समस्याएं देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो, ये आपके पूर्णतः नियंत्रण में है। अब हम बात करते हैं अगले सातवें कारण के बारे में। अगर बरसात का समय है और ऐसे समय में आप अपनी फसल को खेतों में ज़्यादा दिन तक लगाए रखते हैं, तो देखिए एक तो मौसम ऊपर भी नमी हो गई और नीचे भी नमी है, वाटर लॉगिंग भी हो रही है, तो ऐसे में भी जो तना एवं कंद फटने की समस्याएं वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं। और वैसे ये जो समस्या है, सातवीं वाली समस्या, ये जो अप्रैल में बुआई की जाती है, उन किसानों के लिए जो कटाई होगी अगस्त में, उनके ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे जो इस समय जो फरवरी में, जो अक्टूबर में लगाए हैं, फरवरी में या मार्च में जिनकी फसल तैयार होने वाली है, उनमें ये समस्याएं कम देखने के लिए मिलती हैं। अब सबसे बड़ा हमारा कारण है आठवां कारण, जो कि मान लीजिए कि सातों कारण जो मैंने बताए वो आपके सही हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर भी आपके तना एवं कंद फटने की समस्या है, तो मतलब आठवीं समस्या आप पर लागू होती है। आठवीं सबसे बड़ा कारण है हमारा केमिकल इम्बैलेंस का। केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से तना एवं कंद फटने की समस्याएं जो है फसल में देखने के लिए मिलती हैं, वो चाहे लहसुन हो चाहे प्याज हो, दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएंगी। अब केमिकल इम्बैलेंस होता क्या है? जैसे जब कोई फसल तैयार हो रही होती है, तो ऐसे में आप जानते हैं कि 115-120 दिन का है, तो हमें कंद बढ़ना है। कंद बढ़ने के लिए जो पौधे हैं उन्हें ज़रूरत होती है एब्सेसिक एसिड की, और पौधे में जिब्रेलिक और एब्सेसिक दोनों ही एसिड पाए जाते हैं। अब इनकी मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड की मात्रा पहले नीचे ज़्यादा होती है, जिससे पौधे बढ़ते हैं और अपनी पौधों की बढ़वार को बढ़ाते हैं, और एब्सेसिक एसिड जो है वो ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर होती नहीं है। अब जब 115 दिन की हमारी फसल होती है, तो ये क्रम जो होता है वो उल्टा हो जाता है, जिब्रेलिक एसिड नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि पौधों को अस्थायी कर देता है, और वहाँ से एब्सेसिक एसिड को नीचे ला देता है, यानी कि रस उतारने का काम करता है, कंद में आ जाता है, जिससे कंद को बड़ा करना शुरू कर देता है। अब अगर यही केमिकल इम्बैलेंस किसी वजह से, मौसम में ज़्यादा नमी है, नीचे ज़्यादा नमी हो गई, या ज़्यादा धूप हो रही है, रात को ज़्यादा ठंड हो रही है, कुछ प्राकृतिक माहौल भी बन गया ऐसा कि एब्सेसिक एसिड और इन दोनों का लेन देन ऊपर नीचे जो है वो नहीं हो पाया, जैसे शुरू में थे वैसे ही आज चल रहे हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड नीचे का नीचे ही बना रहेगा, एब्सेसिक एसिड ऊपर था ऊपर ही रह गया, तो ऐसे में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड का काम ही है कि जो है उसे बढ़ाते रहो, तो ऐसे नए नए कंद फटने की समस्याएं देखने के लिए मिल जाती हैं, जब जिब्रेलिक एसिड नीचे रह जाता है और एब्सेसिक एसिड ऊपर रह जाता है। ज़रूरत है कि एब्सेसिक एसिड नीचे आए और जिब्रेलिक एसिड ऊपर आए। अब हम इसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, या हमारे ये नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे नियंत्रण में ये है कि हम अगर एब्सेसिक एसिड ही ला करके छिड़काव कर दें, तो स्प्रे के माध्यम से वो नीचे तुरंत पहुंच जाएगा और कंद को बढ़ाना शुरू कर देगा। साथ ही जैसे एब्सेसिक एसिड नीचे जाएगा, तो एब्सेसिक एसिड की मात्रा जैसे ही नीचे ज़्यादा हो जाएगी, जिब्रेलिक की कम हो जाएगी, वैसे ही कंद बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो स्प्राउटिंग हो रही है, जो तना और कंद फट रहे हैं, वो रुक जाएंगे, और जहाँ के तहाँ ही, जहाँ के त्यों, ज्यों के त्यों ही रुक जाएंगे, कहीं भी बढ़ेगा नहीं। आपके मार्केट में आपको डोरमिन नाम से, जो कि माइक्रो केमिकल्स लिमिटेड का है,
ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डोरमिन के नाम से आता है। आपको बता दें कि अब्सेसिक एसिड को ही डोरमिन भी कहा जाता है, तो इस प्रोडक्ट का नाम ही डोरमिन रखा गया है। तो इसमें 10% डोरमिन यानी कि 10% अब्सेसिक एसिड पाया जाता है, जिसे आप 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये कंपनी का रिकमेंडेशन है और यही जो प्रयोग करता है उनका भी यही मानना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये मार्केट में आपको नहीं मिलता है, तब आप बासेफ का जो लिगोसिन आता है जिसमें क्लोराइड मिलता है, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे और भी आ रहे हैं, जैसे घड़ा का चमत्कार है, मेपी क्लोराइड मिल रहा है, कल्टार आ रहा है सेजेंटा का, जिसमें पेक्रोबुटाजोल मिलता है, टबोली आता है सुमिटोमो का, इसमें भी पेक्रोबुटाजोल मिलता है जो कि कल्टार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो रस उतारने का काम करती हैं, जिसमें से जो ये चीज़ें हैं, जो ये पीजीआर, जैसे मैंने लियोसिन बताया, कल्टार बताया, या टबोली है, चमत्कार है, इससे प्रयोग करने से जो कुछ किसान हैं उनका मानना है कि भंडारण की क्षमता जो है वो घट जाती है, ज़्यादा दिन इसे रख नहीं पाते हैं, इसमें सड़न उत्पन्न होने लगती है। तो कोशिश कीजिए, अगर डोरमिन मिल जाए तो डोरमिन एक प्रकार का हार्मोन है, कोई केमिकल नहीं है, एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधे की ज़रूरत होती है, उसे आप दे देंगे तो बहुत ही बेहतरीन, और ये भंडारण क्षमता को भी बढ़ाता है, तो आपके लिए डोरमिन सबसे बेस्ट होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लिहोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। लिहोसिन को कुछ किसान मान रहे हैं कि कुछ हद तक अच्छा है, बाकी जो 3 प्रोडक्ट हैं उन पे कुछ रिस्क भी बता रहे हैं। तो ठीक है, अगर किसान कह रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि हम किसान कह रहा है उसे हमें मानने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं विक्रेता हूँ, मैं आपको कुछ भी बता दूँ, आप कुछ भी प्रयोग करो, आप वो चीज़ें प्रयोग करो जो किसान प्रयोग कर रहा है और बेहतरीन बता रहा है। तो आप लिहोसिन का प्रयोग, अगर डोरमिन नहीं मिल रहा है तब आप लिहोसिन का प्रयोग कीजिएगा जो कि रस उतारने का काम करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तना एवं कंद फटने के 8 जो कारण बताए गए हैं, इसे आप अब आप ध्यान रखेंगे और अपनी फसल को, जो भी लहसुन है या प्याज है, उसे तना एवं कंद फटने से रोक लेंगे और अच्छा खासा उत्पादन आप प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि इसे अन्य किसानों के साथ साझा करना चाहिए जिससे उन्हें भी फायदा हो सके, तो उन्हें साझा भी जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।